मकबूल चैनल में आज मैं आपको सूट में से बची हुई कतरों से 5 से 6 साल की बच्ची का स्टाइलिश ट्यूनिक टॉप कटिंग और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, जो के आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये जो सलवार का बचा हुआ कपड़ा है ये बॉर्डर के साथ में इतना ही है जितना ही बचा हुआ है, तो मैं इसके साथ इसकी सिलाई के साथ इस तरह से अटैच करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इस कपड़े का, जो ये कपड़ा है प्लेन वाला, इसका बैलेंस कर कटिंग कर लूँगी, ताकि हमारी जो नीचे का हिस्सा शर्ट का है, टॉप का, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ जाए। ये वाला जो बॉर्डर है ये हम इसके साथ अटैच करेंगे सिलाई करके, कुछ इस तरह अटैच करेंगे ऐसा लगे कि ये बॉर्डर इसी का है, क्योंकि ये वाइट जो कपड़ा है ये हम सिलाई में सारा ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगा सकती हैं, चाहे तो आप सिलाई वैसे ही लगा लें। और इस तरह से ये दोनों पीस अलग कर लूँगी। अब आप चाहें तो ये जो पीस है इसमें से दरमियान का निशान लगा के, चाहे फ्रंट बैक पे इक्वल प्लेटें दें, चाहे बॉक्स प्लेट दें, चाहे धागा खींचकर चुन्नट दे लें। लेकिन मैं आज आपको एक साइड की प्लेट्स का तरीका दिखा रही हूँ, जो आजकल साइड्स में प्लेट्स दी जाती हैं। ये देखें, फ्रंट और बैक का मैं इकट्ठा ही बता रही हूँ। ये दरमियान का निशान लगाने के बाद मैंने दरमियान से इस साइड, उस साइड नहीं बनाऊँगी, इस साइड 1 इंच की जितनी सी भी प्लेट्स आएँ ये इस तरह से ऐसे 3 प्लेट्स सिर्फ लगाऊंगी 1 इंच की, इस तरह से। इसी तरह से नीचे वाले हिस्से में भी प्लेट्स आ जाएंगी और बाकी हिस्सा इधर से कट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस साइड भी दे सकती हैं, और अगर ये पीस आपका दरमियान का कम रह जाए तो आप ये वाला हिस्सा इस साइड भी अटैच कर सकती हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से ही प्लेट्स दिखाऊंगी, इधर वाले हिस्से से भी और इस हिस्से से भी। उससे पहले मैं इसमें जोड़ लगा लूँगी और बचे हुए कपड़े का, जो शर्ट का पीस बचा हुआ है, इसमें से बॉडी की कटिंग करूँगी। जो ये पीस बॉर्डर है इसको हम अलहदा से कटिंग कर लेंगे। अमूमन टॉप की शर्ट की योग 5 इंच से 6 इंच की हम अमूमन रखते हैं, और शोल्डर भी इतना ही होता है 5 से 6 इंच का। अब जो हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है हम इतना ही रखेंगे, ज़ाहिर है जितना हमारे पास है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। 5 इंच से भी ज़्यादा हमारा शोल्डर आ जाएगा और 6 इंच से भी ज़्यादा सिलाई का मार्जिन रखकर देखें जो कि लेंथ आ गई। अब इसी तरह से जो ये थोड़ा सा और कपड़ा बचा हुआ है, चाहें तो हम इसकी बैक की योक बना लें, चाहे एक और जो प्लेन कपड़ा बचा हुआ है बैक की हम ये भी बना सकते हैं। इस तरह से दोनों योक हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी, क्योंकि बैक हमने एक छोटी योक होती है, बैक हमने हमेशा ओपन बनानी होती है ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी से आ जाए। ये देखें, अगर चाहे इस रुख की बना लें चाहे इस रुख की, लेकिन कोशिश करें हमेशा योग सीधी ही बनाएं। ये वाला हिस्सा पट्टियों में ले लें, किनारी वाला, और ये वाला इस तरह से करें कि आपकी योग बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हो जाए। लेकिन शोल्डर भी आपका परफेक्ट तरीके से पूरा है, आर्म होल भी इसी में से कटिंग हो जाएगा ऐसे करके। ये हमारी इस तरह से कटिंग हो जाएगी योक की। अगर आपको आर्म होल ज़्यादा मज़ीद बड़ा चाहिए होगा तो थोड़ा सा कपड़ा आप इसमें जोड़ भी लगा सकती हैं, क्योंकि अमूमन अक्सर छोटी छोटी कटिंग आपके पास होगी इसी में से बची हुई, और ये 1/2 इंच की थोड़ी सी रेप हो गई, तो ये आर्म होल हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया। इसी तरह से हम फ्रंट बैक का इक्वल गला 2 इंच का चौड़ा और 2 का ही लंबा कटिंग करेंगे, लेकिन फ्रंट का हम थोड़ा सा डीप यानी बड़ा बनाएंगे। ये हम 2 से कटिंग ज़्यादा करके यानी 3 या 4 भी कर सकते हैं, जैसा आप बच्चों को पहनाना चाहें। कोई बड़ा पहनाता है, कोई छोटा, लेकिन बड़े गले छोटी बच्चियों के बहुत बुरे लगते हैं। देखिए, छोटा सा है लेकिन पाइपिंग लगकर ये थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा हो जाएगा। आप इस रुख से भी देख लें, देखें कितनी अच्छी गुलाई हो गई। फिर इस तरह से हम दोनों शोल्डर को आपस में सिलाई करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई हो जाएंगे। और इसी तरह से जो हमारे पास
हमने आपको फ्लेयर्स देने का तरीका बताया है, वो इस तरह होगा। जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये वाला साइड का है, इसमें से हम थोड़ा सा आर्म होल की कटिंग करेंगे। अगर पहले ही निशान लगा लें तो बेहतर है, कटिंग बाद में भी हो सकती है, सिर्फ हल्का सा निशान लगाना है, कटिंग अभी नहीं करनी। और फिर इस तरह से हम इसको प्लेट्स, चाहे आप उस साइड से कर लें चाहे इस साइड से, प्लेट्स का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप उस साइड से भी प्रेस कर लेंगी तो बहुत अच्छी सी प्लेट्स आ जाएंगी। ये देखें, 3 या 4 प्लेट्स इस साइड दे लें। अगर आपके पास ये कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी सी चौड़ी दे लें तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। ये देखें, इस तरह से ज़्यादा प्लेट्स अच्छी नहीं लगेंगी, थोड़े से हिस्से में 3 या 4 प्लेट्स ही आएंगी। देखें, फिर ये हिस्सा थोड़ा सा हमारा इस वाली साइड से भी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी और ये हमारी प्लेट्स में आ जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से 3 प्लेट्स इस तरह से, और इस बैक पे भी इसी तरह से इसी साइड से हम प्लेट्स लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई लेस, कोई चीज़, कोई टसल्स वगैरह भी यहाँ लगा सकती हैं, चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगाकर प्रेस कर सकती हैं, चाहे तो वैसे ही आयरन से प्रेस कर सकती हैं। और गले में हम पाइपिंग लगाएंगे, और आर्म होल में जो हमने स्लीव्स लगाने हैं, आपकी मर्ज़ी है फुल लगाएं चाहे हाफ या स्लीव लेस ही कर लें। अब हमारे पास कपड़ा जो साइड से बचा है शर्ट का, तो हम इसमें से फुल स्लीव्स बनाएंगे। ये पट्टी है, इसी में से हम देखें हम इसके 3 पीस करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारी स्लीव्स की लेंथ भी मुकम्मल हो जाए। और हमें ये स्लीव्स 11 इंच की चाहिए। अगर ये छोटे बन गए तो हम इसमें आगे लेस या पाइपिंग लगाएंगे, अगर पूरा मुकम्मल ही हैं सिलाई का मार्जिन रखकर, ये 13 इंच की लेंथ बन रही है हमारे पास, तो हम इसी को फोल्ड कर लेंगे। अगर कोई लेस आगे लगाना चाहें, पीको करवाना चाहें, तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, मैं 3 पीस इसलिए कर रही हूँ ये सिलाई होने के लिए, क्योंकि इसमें जोड़ आएगा। जोड़ लगाने से पहले आप इस चीज़ का ख्याल कर लेंगे, जो ये हमारे ऊनों का रुख है हमेशा इक्वल रखें। ये देखें, ये ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो हम जोड़ वाला हिस्सा भी कोशिश करें कि हमारा ऊपर की ही साइड जाए। और ये दूसरा पीस जो स्लीव्स का है, ये देखें इस तरह से, ये एक ही रुख रखें। कभी कभी हमसे मिस्टेक कटिंग के दौरान भी हो जाती है। ये लेंथ हमारी मुकम्मल है। अब इसमें से हम जो बचा हुआ पीस है, इसमें से ये देखें हमारे पास चार पीस इस तरह से करेंगे। और ये देखें इस तरह से ये जोड़ हमारा इस तरह से आएगा, और हमारी स्लीव्स की चौड़ाई लंबाई मुकम्मल परफेक्ट तरीके से मिल जाएगी। आप चाहें तो ये बेल बॉटम स्लीव्स भी बना सकती हैं, चाहे तो सिंपल भी, चाहे तो दरमियान में लास्टिक या डोरी भी डाल सकती हैं, चाहे आगे थोड़ी सी फ्रिल बनाकर आगे भी लास्टिक डाला जा सकता है। मैं आपको इसको खुला सा ही बाजू की कटिंग दिखा रही हूँ। देखो, पहले हम इसका बैलेंस करेंगे इस तरह से, ये जोड़ लग गया, और ऊपर से हम ऐसे कटिंग कर ली। अब मैं इसके खुले से ही बाजू की कटिंग करूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास खुले खुले से बेल बॉटम टॉप के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसमें आप हल्की सी कोई टसल्स वाली लेस भी लगा सकती हैं, चाहे पाइपिंग भी शॉकिंग कलर की। इस तरह से मेरी ये कटिंग मुकम्मल हो गई है। मैं अब आपको इसकी सिलाई करने के बाद भी दिखाती हूँ। अब ये देखें, मैं आपको प्लेट्स का भी तरीका साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि देखें ये तो 2 इंच या 3 इंच छोड़ने के बाद आप 1 इंच या 2 इंच की भी प्लेट्स दे सकती हैं। ये देखें, मैंने तकरीबन 2 इंच की ऐसे प्लेट्स लगाई है इस तरह से मशीन के साथ प्रेस कर, और इसी तरह से ये देखें दूसरी प्लेट्स भी दरमियान वाले हिस्से के पास आ गई है। ये देखें, और इस तरह से जितना हमने अंदर की साइड किया है, कोशिश करें उतना ही हमारा ये गैप बाहर भी रहे। अगर आप ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो वो भी खूबसूरती आ जाएगी उससे। ये देखें, दूसरी प्लेट दरमियान वाले हिस्से में, और एक प्लेट सिर्फ एक्स्ट्रा दरमियान वाले हिस्से से ज़्यादा, इतना ही पीस जितना हमने अंदर किया है इतना ही बाहर कर। ये देखें, ऊपर की साइड इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे, और हमारे पास जो साइज़ बचा है तकरीबन वो योग का ही साइज़ बच जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से बता देती हूँ नाप कर आपके सामने। ये देखें, मैंने अंदाजे से ही प्लेट्स लगाई थी, और ये देखें योग का साइज़ परफेक्ट है। साइड से जो एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा है, इसमें से हम थोड़ा सा आर्म होल की कटिंग करेंगे इधर की साइड से, और ये इस तरह से हमारी परफेक्ट साइज़ हमें मिल गया। अब प्लेट्स देने का तरीका देखें, मैंने कितने आसान तरीके से आपको समझाया है।
अब ये मुकम्मल हो गया है और मैं अब आपको इसकी प्लेट योक को जोड़कर भी दिखा देती हूँ साथ ही। अब ये देखें इसी तरह से मैं इसको जोड़ लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर की साइड से ही लगा लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर इससे ये होगा कि जो हमारी रेड कलर की ये शॉकिंग येलो कलर की सिलाई है ये बिल्कुल सीधी लगे। और इस तरह से आप ये भी देख लेंगे नीचे की जो हमने पहले सिलाई लगाई है वो उसके साथ ही अटैच हो। ये देखें इस तरह से मैं शॉकिंग के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई का बैलेंस भी परफेक्ट रहे और ये सिलाई हमारी टेढ़ी भी ना लगे। ना ही आपने ये कपड़ा खींचना है ना ही ये वाला। अब ये देखें दोनों इक्वल रखनी है और सिलाई भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब साइड से भी हमारा देखें थोड़ा सा ही ये वाला भरेगा जिसमें से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। और इसी तरह से मैं बैक की भी प्लेट से की सिलाई लगाऊंगी और इतना इतना सा हिस्सा आर्म होल का देखें बच गया। अंदाजे से भी ये काम हो जाते हैं, अगर आप साइज निशान लगाकर करें तो वो भी बेहतर होता है। ये देखें कितना आसान डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। और बड़ी बच्ची की शर्ट नुमा टॉप मैं आपको अभी सेट करके भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई इसी तरह से लगा ली है और इसी तरह से जो मैंने बैक का पीस कटिंग किया है योक का ये वाला ओपन, तो मैं इसी तरह से जो बैक का पीस है वो भी इसी तरह से प्लेट्स देकर लगाऊंगी और इसी तरह से प्लेट्स भी इसी के साइड में आ जाएंगी तो जो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। और मैं बॉर्डर जो आपको दिखाया है वो आर्म होल के साथ स्लीव्स लगाने के बाद गोल करने के बाद बॉर्डर लगाऊंगी ताकि हमारा वो बॉर्डर खूबसूरती से अच्छे तरीके से गोल राउंड यानी कि राउंड शेप में हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये देखें आप जो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा है इसका आर्म होल भी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ये मुकम्मल करने के बाद दिखाती हूँ क्योंकि मेन चीज़ मैंने प्लेट समझानी थी वो आपको समझा दी है, बाकी बहुत आसान है जो कि मैं सिलाई के बाद दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशी मकबूल चैनल में आज मैं आपको सूट में से बची हुई कतरों से 5 से 6 साल की बच्ची का स्टाइलिश ट्यूनिक टॉप कटिंग और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी जो कि आप देख सकते हैं। अब ये देखें ये जो सलवार का बचा हुआ कपड़ा है ये बॉर्डर के साथ में इतना ही है जितना ही बचा हुआ है, तो मैं इसके साथ इसकी सिलाई के साथ इस तरह से अटैच करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं इस कपड़े का जो ये कपड़ा है प्लेन वाला इसका बैलेंस कर कटिंग कर लूँगी ताकि हमारी जो नीचे का हिस्सा शर्ट का है टॉप का वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ जाए। ये वाला जो बॉर्डर है ये हम इसके साथ अटैच करेंगे सिलाई करके, कुछ इस तरह से अटैच करेंगे ऐसा लगे कि ये बॉर्डर इसी का है, क्योंकि ये वाइट जो कपड़ा है ये हम सिलाई में सारा ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगा सकती हैं, चाहे तो आप सिलाई वैसे ही लगा लें। और इस तरह से ये दोनों पीस अलग कर लूँगी। अब आप चाहें तो ये जो पीस है इसमें से दरमियान का निशान लगा के चाहे फ्रंट बैक पे इक्वल प्लेटें दें, चाहे बॉक्स प्लेट दें, चाहे धागा खींच कर चुनर दे लें। लेकिन मैं आज आपको एक साइड की प्लेट्स का तरीका दिखा रही हूँ जो आजकल साइड्स में प्लेट्स दी जाती हैं। ये देखें फ्रंट और बैक का मैं इकट्ठा ही बता रही हूँ। ये दरमियान का निशान लगाने के बाद मैंने दरमियान से इस साइड उस साइड नहीं बनाऊँगी, इस साइड 1 इंच की जितनी सी भी प्लेट्स आएँ ये इस तरह से ऐसे 3 प्लेट्स सिर्फ लगाऊंगी 1 इंच की इस तरह से। इसी तरह से ये नीचे वाले हिस्से में भी प्लेट्स आ जाएंगी और बाकी हिस्सा इधर से कट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस साइड भी दे सकती हैं, और अगर ये पीस आपका दरमियान का कम रह जाए तो आप ये वाला हिस्सा इस साइड भी अटैच कर सकती हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से ही प्लेट्स दिखाऊँगी, इधर वाले हिस्से से भी और इस हिस्से से भी। उससे पहले मैं इसमें जोड़ लगा लूँगी और बचे हुए कपड़े का जो शर्ट का पीस बचा हुआ है इसमें से बॉडी की कटिंग करूँगी। जो ये पीस बॉर्डर है इसको हम अलहदा से कटिंग कर लेंगे। अमूमन टॉप की शर्ट की योग 5 इंच से 6 इंच की हम अमूमन रखते हैं और शोल्डर भी इतना ही होता है 5 से 6 इंच का। अब जो हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है हम इतना ही रखेंगे ज़ाहिर है जितना हमारे पास है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। 5 इंच से भी ज़्यादा हमारा शोल्डर आ जाएगा और 6 इंच से भी ज़्यादा सिलाई का मार्जिन रखकर देखें योग की लेंथ आ गई। अब इसी तरह से जो ये थोड़ा सा और कपड़ा बचा हुआ है चाहें तो हम इसकी बैक की योग बना लें, चाहे एक और जो प्लेन कपड़ा बचा हुआ है बैक की हम ये भी बना सकते हैं। इस तरह से दोनों योग हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी, क्योंकि बैक हमने एक छोटी योग होती है, बैक हमने हमेशा
ओपन बनानी होती है ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी से आ जाए। ये देखें अगर चाहे इस रुख की बना लें चाहे इस रुख की, लेकिन कोशिश करें हमेशा योक सीधी ही बनाएं। ये वाला हिस्सा पट्टियों में ले लें किनारी वाला, और ये वाला इस तरह से करें कि आपकी योक बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हो जाए। लेकिन शोल्डर भी आपका परफेक्ट तरीके से पूरा है, आर्म होल भी इसी में से कटिंग हो जाएगा ऐसे करके। ये हमारी इस तरह से कटिंग हो जाएगी योक की। अगर आपको आर्म होल ज़्यादा मज़ीद बड़ा चाहिए होगा तो थोड़ा सा कपड़ा आप इसमें जोड़ भी लगा सकती हैं, क्योंकि अमूमन अक्सर छोटी छोटी कटिंग आपके पास होगी इसी में से बची हुई, और ये हाफ इंच की थोड़ी सी रेप हो गई तो ये आर्म होल हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया। इसी तरह से हम फ्रंट बैक का इक्वल गला 2 इंच का चौड़ा और 2 का ही लंबा कटिंग करेंगे, लेकिन फ्रंट का हम थोड़ा सा डीप यानी बड़ा बनाएंगे। ये हम 2 से कटिंग ज़्यादा करके यानी 3 या 4 भी कर सकते हैं, जैसा आप बच्चों को पहनाना चाहें। कोई बड़ा पहनाता है कोई छोटा, लेकिन बड़े गले छोटी बच्चियों के बहुत बुरे लगते हैं। देखिए छोटा सा है लेकिन पाइपिंग लगकर ये थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा हो जाएगा। आप इस रुख से भी देख लें, देखें कितनी अच्छी गुलाई हो गई। फिर इस तरह से हम दोनों शोल्डर को आपस में सिलाई करेंगे। ये देखें इस तरह से ये सिलाई हो जाएंगे। और इस तरह और इसी तरह से जो हमारे पास हमने आपको प्लेट्स देने का तरीका बताया है वो इस तरह होगा। जो दरमियान वाला हिस्सा है ये वाला साइड का है, इसमें से हम थोड़ा सा आर्म होल की कटिंग करेंगे। अगर पहले ही निशान लगा लें तो बेहतर है, कटिंग बाद में भी हो सकती है। सिर्फ हल्का सा निशान लगाना है, कटिंग अभी नहीं करनी। और फिर इस तरह से हम इसको प्लेट्स चाहे आप उस साइड से कर लें चाहे इस साइड से, प्लेट्स का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप उस साइड से भी प्रेस कर लेंगी तो बहुत अच्छी सी प्लेट्स आ जाएंगी। ये देखें 3 या 4 प्लेट्स इस साइड दे लें। अगर आपके पास ये कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी सी चौड़ी दे लें तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। ये देखें इस तरह से ज़्यादा प्लेट्स अच्छी नहीं लगेंगी, थोड़े से हिस्से में 3 या 4 प्लेट्स ही आएंगी। देखें फिर ये हिस्सा थोड़ा सा हमारा इस वाली साइड से भी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी और ये हमारी प्लेट्स में आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। 3 प्लेट्स इस तरह से और इस बैक पे भी इसी तरह से इसी साइड से हम प्लेट्स लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई लेस कोई चीज़ कोई टसल्स वगैरह भी यहाँ लगा सकती हैं, चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा कर प्रेस कर सकती हैं, चाहे तो वैसे ही आयरन से प्रेस कर सकती हैं। और गले में हम पाइपिंग लगाएंगे, और आर्म होल में जो हमने स्लीव्स लगाने हैं आपकी मर्जी है फुल लगाएं चाहे हाफ या स्लीवलेस ही कर लें। अब हमारे पास कपड़ा जो साइड से बचा है शर्ट का, तो हम इसमें से फुल स्लीव्स बनाएंगे। ये पट्टी है इसी में से हम देखें हम इसके 3 पीस करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारी स्लीव्स की लेंथ भी मुकम्मल हो जाए। और हमें ये स्लीव्स 11 इंच के चाहिए। अगर ये छोटे बन गए तो हम इसमें आगे लेस या पाइपिंग लगाएंगे। अगर पूरा मुकम्मल ही हैं सिलाई का मार्जिन रखकर, ये 13 इंच की लेंथ बन रही है हमारे पास, तो हम इसी को फोल्ड कर लेंगे। अगर कोई लेस आगे लगाना चाहें पीको करवाना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये देखिए मैं 3 पीस इसलिए कर रही हूँ ये सिलाई होने के लिए, क्योंकि इसमें जोड़ आएगा। जोड़ लगाने से पहले आप इस चीज़ का ख्याल कर लेंगे, जो ये हमारे ऊनों का रुख है हमेशा इक्वल रखें। ये देखें ये ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो हम जोड़ वाला हिस्सा भी कोशिश करें कि हमारा ऊपर की ही साइड जाए। और ये दूसरा पीस जो स्लीव्स का है ये देखें इस तरह से ये एक ही रुख रखें। कभी कभी हमसे मिस्टेक कटिंग के दौरान भी हो जाती है। ये लेंथ हमारी मुकम्मल है। अब इसमें से हम जो बचा हुआ पीस है इसमें से ये देखें हमारे पास 4 पीस इस तरह से करेंगे। और ये देखें इस तरह से ये जोड़ हमारा इस तरह से आएगा और हमारी स्लीव्स की चौड़ाई लंबाई मुकम्मल परफेक्ट तरीके से मिल जाएगी। आप चाहें तो ये बेल बॉटम स्लीव्स भी बना सकती हैं, चाहे तो
सिंपल भी चाहे तो दरमियान में इलास्टिक या डोरी भी डाल सकती हैं, चाहे आगे थोड़ी सी फ्रिल बनाकर आगे भी इलास्टिक डाला जा सकता है। मैं आपको इसको खुला सा ही बाजू की कटिंग दिखा रही हूँ। देखो पहले हम इसका बैलेंस करेंगे इस तरह से, ये जोड़ लग गया और ऊपर से हम ऐसे कटिंग कर ली। अब मैं इसके खुले से ही बाजू की कटिंग करूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारे पास खुले खुले से बेल बॉटम टॉप के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसमें आप हल्की सी कोई टसल्स वाली लेस भी लगा सकती हैं, चाहे पाइपिंग भी शॉकिंग कलर की। इस तरह से मेरी ये कटिंग मुकम्मल हो गई है। मैं अब आपको इसकी सिलाई करने के बाद भी दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं आपको प्लेट्स का भी तरीका साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि देखिए ये तो 2 इंच या 3 इंच छोड़ने के बाद आप 1 इंच या 2 इंच की भी प्लेट्स दे सकती हैं। ये देखिए मैंने तकरीबन 2 इंच की ऐसे प्लेट्स लगाई है इस तरह से मशीन के साथ प्रेस कर, और इसी तरह से ये देखें दूसरी प्लेट्स भी दरमियान वाले हिस्से के पास आ गई है। ये देखें और इस तरह से जितना हमने अंदर की साइड किया है, कोशिश करें उतना ही हमारा ये गैप बाहर भी रहे। अगर आप ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो वो भी खूबसूरती आ जाएगी उससे। ये देखें दूसरी प्लेट दरमियान वाले हिस्से में और एक प्लेट सिर्फ एक्स्ट्रा दरमियान वाले हिस्से से ज़्यादा, इतना ही पीस जितना हमने अंदर किया है इतना ही बाहर कर ये देखें ऊपर की साइड इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। और हमारे पास जो साइज़ बचा है तकरीबन वो योग का ही साइज़ बच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से बता देती हूँ नाप कर आपके सामने। ये देखें मैंने अंदाजे से ही प्लेट्स लगाई थी और ये देखें योग का साइज़ परफेक्ट है। साइड से जो एक्स्ट्रा थोड़ा बड़ा है इसमें से हम थोड़ा सा आर्म होल की कटिंग करेंगे इधर की साइड से, और ये इस तरह से हमारी परफेक्ट साइज़ हमें मिल गया। अब प्लेट्स देने का तरीका देखें मैंने कितने आसान तरीके से आपको समझाया है। अब ये मुकम्मल हो गया है और मैं अब आपको इस प्लेट योग को जोड़कर भी दिखा देती हूँ साथ ही। अब ये देखें इसी तरह से मैं इसको जोड़ लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर की साइड से ही लगा लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर इससे ये होगा कि जो हमारी रेड कलर की ये शॉकिंग येलो कलर की सिलाई है ये बिल्कुल सीधी लगे। और इस तरह से आप ये भी देख लेंगे नीचे की जो हमने पहले सिलाई लगाई है वो उसके साथ ही अटैच हो। ये देखें इस तरह से मैं शॉकिंग के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई का बैलेंस भी परफेक्ट रहे और ये सिलाई हमारी टेढ़ी भी ना लगे। ना ही आपने ये कपड़ा खींचना है ना ही ये वाला। अब ये देखें दोनों इक्वल रखने हैं और सिलाई भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब साइड से भी हमारा देखें थोड़ा सा ही ये वाला भरेगा जिसमें से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। और इसी तरह से मैं बैक की भी प्लेट से की सिलाई लगाऊंगी और इतना इतना सा हिस्सा आर्म होल का देखें बच गया। अंदाजे से भी ये काम हो जाते हैं, अगर आप साइज़ निशान लगाकर करें तो वो भी बेहतर होता है। ये देखें कितना आसान डिज़ाइन मैंने तैयार किया है और बड़ी बच्ची की शर्ट नुमा टॉप मैं आपको भी सेट करके भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई इसी तरह से लगा ली है और इसी तरह से जो मैंने बैक का पीस कटिंग किया है योग का ये वाला ओपन, तो मैं इसी तरह से जो बैक का पीस है वो भी इसी तरह से प्लेट्स देकर लगाऊंगी और इसी तरह से प्लेट्स भी इसी के साइड में आ जाएंगी तो जो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। और मैं बॉर्डर जो आपको दिखाया है वो आर्म होल के साथ स्लीव्स लगाने के बाद गोल करने के बाद बॉर्डर लगाऊंगी ताकि हमारा वो बॉर्डर खूबसूरती से अच्छे तरीके से गोल राउंड यानी कि राउंड शेप में हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये देखें आप जो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा है इसका आर्म होल भी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ये मुकम्मल करने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मेन चीज़ मैंने प्लेट समझानी थी वो आपको समझा दी है, बाकी बहुत आसान है जो कि मैं सिलाई के बाद दिखाऊँगी। ये देखें व्यूअर्स सिलने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है, इसका बॉर्डर इसकी बॉडी और स्लीव्स और इसमें टसल्स वाली लेस लगने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसा कि आपको बताया था 3 प्लेट्स दे लिए, इसे आयरन कर लें और ये फ्रॉक बेबीज़ को पहनाएंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो व्यूअर्स इस वीडियो को देखकर प्लीज़ आप ज़रूर बताइए आपको हमारी ये स्टिचिंग और कटिंग कैसी लगी, और हमें दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबकी दुआएँ कबूल और मंजूर फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।